कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मैं जहांगीर, मेरे साथ है जहाजेब और हमजा, और आप देख रहे हैं हमारा चैनल और फाइव स्टार नवेश रिएक्ट। तो कैसे हैं आप सब? ठीक है, हम सबको मेरा प्यार सलाम। और आज एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बड़ी कमाल किस्म की वीडियो लेके आए जी। और ये जी डॉक्टर विवेक बिंद्रा की एक और जबरदस्त किस्म की केस स्टडी उन्होंने की जी, छत्रपति शिवाजी महाराज की जो है ना, उन्होंने केस स्टडी किया है। ठीक है, तो उसके ऊपर हम देखने लगे हैं कि लगता है उनकी स्टोरी के बारे में कुछ ये बताने लगे मोटिवेशनल हैं। स्पीकर है डॉक्टर विवेक बिंद्रा। इनके चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक जिसमें दिया है, उनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। 8.7 मिलियन इनके ऑलरेडी सब्सक्राइबर हो तो चुके हैं। लेट्स स्टार्ट। वापस आया हूँ आज आपसे बात करने के लिए। मैं विवेक मित्रा, मोटिवेशन स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट और बिजनेस कोच। आज बात करूंगा छत्रपति शिवाजी के विषय में। मराठाओं के दिल में बड़ी गहरी जगह बनाई। 1630 में जन्म लिया 19 फरवरी, पिता शाहजी भोसले, माँ जीजाबाई। पिता शाहजी भोसले तो उस समय मुगलों की सेवा में लगे हुए थे, जो ज्यादा उस समय अवेलेबल नहीं रहा करते थे। तो माँ जीजाबाई जिन्होंने ज्यादा समय बिताया छत्रपति शिवाजी के साथ। शिवाजी छोटा सा बच्चा, उसको बचपन से ही महाभारत से लेकर रामायण तक, रामायण से लेकर भगवद गीता तक और सारी पौराणिक कथाएं उनको सुनाया करती थी। असर क्या हुआ, छोटी उम्र से ही एक स्वाभाविक नेचुरल लीडरशिप शिवाजी के अंदर देखने लगी। छोटा सा बच्चा, लेकिन वहीं पे मावल नाम की एक जगह, एक स्थान जहां पे कई गांव हुआ करते थे, जो पुणे के नजदीक था, आज का जो पुणे है ना महाराष्ट्र में, उधर ही मावल के पिछड़े और गरीब लोग, लेकिन वो उनमें साहस बहुत। तभी शिवाजी ने देखा, 12-15 साल की उम्र में इसने देखा, वहां पे 3 साल उन जंगलों में वहां घूमता रहा, लोगों के बीच में रहा, तो उसने देखा ये लोगों में ताकत बहुत है, शक्ति बहुत है, पर ये अनगाइडेड मिसाइल है। एक दिन उसने सारे दोस्तों को और वहां पे गांव के कई लोगों को इकट्ठा किया और उनको क्या बताया कि मराठाओं को मुगलों के नौकर के रूप में जाना जाता है, और ये जो नौकर होता है ना, ये जो गुलामी है, ये एक मानसिकता है और इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड। इस गुलामी को तोड़ना है, मराठाओं को उससे बाहर निकलना है। तो ये निजामी शाह, आदिल शाह, इनके चंगुल से मराठाओं को पहली बार बाहर निकालने के लिए ये गांव वालों को उन्होंने तैयार किया। खंजर निकाला और अपना रक्त निकाल के काट के भगवान के शिवलिंग का रक्त अभिषेक कर दिया। और तभी इन्होंने ऐलान किया कि मैं स्वराज यात्रा निकालना चाहता हूं। ये स्वराज यात्रा, ये क्या कहते हैं, गुलामी एक मानसिकता है। क्या है, एक मानसिकता है। आप गुलाम अपनी मानसिकता के कारण है, और वहां पे गुलामी की मानसिकता से मराठाओं को निकाल के खड़ा करने के लिए अब टीम तो छोटी थी, मैन पावर थी नहीं, रिसोर्सेस थे नहीं, उतने फंड्स थे नहीं, उतनी पीछे से सपोर्ट और ताकत और कोई अलायंस अभी तक था नहीं। तो शुरुआत बहुत इंटेलिजेंट थी। देखिए ये जो थे ना, ये व्यक्ति छत्रपति शिवाजी, सारे सुनिए, भारत को पता होना चाहिए छत्रपति शिवाजी एक कंबाइंड अवतार मान सकते हो आप, महाराणा प्रताप के शौर्य और उनकी ताकत और उनके साहस का, और कौटिल्य चाणक्य पंडित की उनकी बौद्धिक शक्ति, उनकी बुद्धि और उनकी कुटल नीतियों का, ये कंबाइंड अवतार थे। तो ये क्या करते हैं, छापा मार युद्ध करते हैं, द्विकंटक नीति के साथ जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, गोरिल्ला वॉरफेयर, और गोरिल्ला वॉरफेयर इसे कहते हैं गनीमी कावा। छोटी उम्र के अंदर इतना इंटेलिजेंस, इतना इंटेलिजेंस। गनीमी का मतलब क्या है, दुश्मन, और कावा मतलब उसको बेवकूफ बना के हराने की टैक्टिक्स। ये ऐसे टैक्टिक्स से लड़ते थे, इनको पहाड़ी चूहा बोलते थे, कि पहाड़ों के अंदर से कहां से निकल के, कहां से निकल के, किधर से निकल के आके दुश्मन पे अटैक करेंगे। छोटी सी सेना इन्होंने शुरू करी थी और अपना साम्राज्य दक्षिण से लेकर के ऊपर तक, गुजरात तक, इधर राज बहुत जगह फैलाया। एक बार उधर ही के मुगल राजा आदिल शाह ने मराठाओं के बीच में से इनके पिता को उठा करके जेल में डाल दिया, कारावास दे दिया, और ये बहुत दिन तक सोचने लगे कि क्या करें। और तभी देखिए उसी समय में शाहजहां भी था दिल्ली के अंदर, और शाहजहां भी, हालांकि है वो भी मुसलमान और आदिल शाह भी मुसलमान, लेकिन पॉलिटिक्स तो पॉलिटिक्स है ना। तो मुगल राजाओं को उन्होंने आपस में कैसे करवाया, उधर तो उनको सपोर्ट और अलायंस की बात करी, इतने मास्टर अलायंस के मामले में, कब कहां किससे अलायंस बिल्ड करना। शाहजहां को बोले कि आप इस पे इन्फ्लुएंस डालो, ये मेरे पिता को छोड़े, और शाहजहां उनकी बात मान गए। शाहजहां को उन्होंने बोला कि तुम्हारे कई युद्ध होने वाले हैं नॉर्थ में, और उस समय पीछे से अगर तुम्हें यहां से मदद की जरूरत पड़े तो मैं छत्रपति शिवाजी तुम्हारी मदद करूंगा, इसको बोलो आदिल शाह को मेरे पिता को छोड़े, छुड़वा दिया। छत्रपति शिवाजी, इनके लिए युद्ध जीतना जरूरी था, लड़ना भले ही जरूरी ना हो, कई बार तो ये लड़े बिना भी युद्ध जीत जाते थे, यही तो उनकी चतुराई थी। इसे क्या कहते, सामने वाला सरेंडर कर देगा शॉट निकाले पहले, शॉट निकालने से पहले, सरेंडर बिफोर द शॉट कम्स आउट। इनकी बुद्धिमता क्या थी कि ये एनिमी से अलायंस क्रिएट कर लेते थे, जो
इन्हें बर्बाद करने आता था वही इनको आबाद करके जाता था। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन में बड़े मास्टर थे, ये नहीं कि एक ही जगह लगे रहे, साथ साथ पैरेलल लीडरशिप बिल्ड करते थे। उधर कोंकण कोस्टलाइन के पास में जो आज का गुजरात है, महाराष्ट्र है, आज का गोवा है, आज का नीचे तक कर्नाटक है, ये पूरी कोस्टलाइन पे इन्होंने एक नेवी बिल्ड करी, नेवी की सेना, समुद्री सेना को तैयार किया। एक्चुअली छत्रपति शिवाजी को फादर ऑफ इंडियन नेवी भी बोला जाता है। और एक और बात आप सीखते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सिनेरियो एनालिसिस। सिनेरियो एनालिसिस का मतलब क्या है, आने वाले समय में सिनेरियो ए होगा तो मैं ऐसे लड़ूंगा, बी होगा तो ऐसे लड़ूंगा, सी होगा तो ऐसे लड़ूंगा, सिनेरियो की तैयारी पहले रखनी चाहिए। उस समय वहां का तानाशाह आदिल शाह, जो उस समय तक शिवाजी से बहुत तंग आ चुका था, बहुत परेशान हो चुका था, इन्होंने अपने सबसे बड़े सेनापति, सबसे चीफ जनरल अफजल खान को भेजा कि अफजल खान इसको खत्म करके आप किसी तरीके से। अफजल खान जानता था शिवाजी एक ईमानदार आदमी है, तो उसको प्रपोजल भेज दिया, शिवाजी मैं तुमसे अकेले मिलने आऊंगा, संधि करना चाहता हूं, अकेले मिलोगे मुझसे? शिवाजी बोले ठीक है, अकेले मिल लेते, मुझे कोई समस्या नहीं। अफजल खान ने बोला नियम यह है, ना तुम्हारे पास कोई सेना ना मेरे पास कोई सेना, मैं भी अकेला तुम भी अकेले, ना तुम्हारे पास कोई अस्त्र शस्त्र ना मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र। अफजल खान जानता था छत्रपति शिवाजी बड़े ईमानदार व्यक्ति है, हाँ बोल देंगे जो ऐसे ही बिना शस्त्र के खड़े भी हो जाएंगे। उनसे ढाई गुना लंबा चौड़ा अफजल खान आकर के गले मिलने लगा शिवाजी से। अब छोटे से शिवाजी और पीछे से खंजर निकाल करके पीठ में घुसा दिया, प्रिपेयर्ड थे पहले, शिवाजी पहले ही प्रिपेयर्ड थे। एक ऐसी लोहे की उन्होंने बुलेट जैकेट पहनी होती, पावरफुल उन्होंने ऐसी जैकेट स्टील के अंदर बना रखी थी जिससे कितने भी खंजर डालो अंदर घुसे नहीं, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता था। वो जानते थे कि ऐसा हो सकता है, ईमानदारी पूरी रखते लेकिन प्रिपरेशन भी रखते। इसको बोलते हैं सिनेरियो, अगर सी निकल आया तो उसकी प्रिपरेशन भी रहे। हाथ पीछे से खींचा और उनका सिंह नख बाहर निकल आया, और वो जो सिंह नख नाम का उनका जो चाकू होता है ना, वो चाकू शेर के पंजे जैसा इतना सॉलिड कि उसको घुसाया पेट में, अफजल खान का किडनी वहां से बाहर निकाल दी। और यहां रुके नहीं, इसको मारते ही अब इसकी सेना का पूरा मनोबल तोड़ दिया, उनकी मानसिक दशा को कमजोर करके उनका प्रतापगढ़ किला जीत गए। सबसे बड़ी लर्निंग एक और है, पहले तो प्रिपरेशन रखो पूरी वर्ल्ड के लिए, और उसके बाद अगर जीत गए या हार गए उसको अपने ऊपर हावी मत होने दो, अगले किले चालू कर दो। अभी इतनी बड़ी जीत मिली कि ये नहीं कि मतलब अब जाके बैठ के आराम करें जी, बहुत बड़ा किला जीत गए, बहुत बड़ा किला जीत गए। 18 दिन के अंदर अगला किला पनहल का, फोर्ट ऑफ पनहल, उसको भी कैप्चर कर लिया। अच्छा एक हारने का उदाहरण भी देखिए, मिर्जा राजा जयसिंह उस समय हुआ करते थे। अब इन्होंने मुगल लोगों ने राजा जयसिंह को मिर्जा बना लिया था, अपने साथ जोड़ करके अपनी सेना में ले लिया। एक दफा मिर्जा राजा जयसिंह ने इनको एक युद्ध में हराया और इनसे पुरंदर की ट्रीटी साइन करा दी। पुरंदर की ट्रीटी साइन कराते वक्त इनके 23 किले इनसे छीन लिए गए, और 23 किले अब इनके हाथ से निकल गए। वो उनके लिए हार थी, हाँ हार थी, लेकिन हारने के बाद भी नहीं रुकते, ये क्या किया, कमऑन बाउंस बैक, कमऑन, क्या याद है ना आपको बाउंस बैक, और कैसे बाउंस बैक किया, पुरंदर की संधि में 23 किले हाथ से निकल गए, हाँ निकल गए, लेकिन रुकना तो है नहीं। अगले कुछ सालों के अंदर 23 किले हारे पर 360 किले और जीत गए। 360 किले इन्होंने जो फोर्ट होते हैं ना, कई एक के बाद एक, एक के बाद, इनकी लड़ाई किसी भी प्रकार से किसी धर्म के अगेंस्ट नहीं थी, इनकी लड़ाई थी मराठाओं की रक्षा करने के लिए। ये मराठाओं के लिए खड़े, ये मुसलमानों के अगेंस्ट नहीं, मुगलों के अगेंस्ट थे। वो मुगल जो विदेश से आए उनके अगेंस्ट थे, क्योंकि मुसलमान तो उनकी टीम में बहुत सारे थे, इनके कई सारे बड़े बड़े आर्मी के जनरल ही मुसलमान हुआ करते थे, इनके कई दोस्त भी मुसलमान थे, इनके जो एक अपनी टीम के वजीर आजम वो भी मुसलमान थे, इनके कई गुरु भी मुसलमान थे, लेकिन ये मुगलों के खिलाफ थे जो आके मराठाओं को तंग करके उनको नौकर बनाया था। बाहर से आके मुगलों ने मराठाओं को जो तंग किया उनकी पीड़ा को, वहीं से इन्होंने टीम को नीचे नीचे से इकट्ठा करके छापा मार युद्ध से आज इतनी बड़ी सेना खड़ा कर दी। अच्छा एक बात और जो इस वीर मराठा को मुगलों से अलग करती थी, वो खास बात थी इनका स्त्रियों के प्रति विशेष सम्मान। क्या बोलते थे, माँ, औरतें और बच्चे, इनको कोई तंग नहीं करेगा चाहे कुछ भी हो जाए। और ये जो इनकी लीडरशिप विजडम थी ना, ये बचपन में महाभारत, भगवत गीता, रामायण पढ़ने से जो इनके अंदर आई, ये इन्होंने अपने सैनिकों में भी कूट कूट के डाल दी थी कि अगर किसी, देखिए जहां उसी समय मुगल लोग औरतों को उठा लिया करते थे, उनका अपहरण करते थे, उनका रेप कर लेते थे, उनको उनके मंदिर तोड़ना, उनको मारना पीटना, वहीं ये क्या बोले, किसी दूसरे धर्म का अपमान नहीं करेंगे, किसी दूसरे की स्त्री को गलत नजर से कभी देखेंगे नहीं, और अगर मेरा कोई सैनिक देखते मिल गया तो उसको खत्म कर दूंगा। इन्होंने वो वैल्यूज अपनी टीम
के अंदर डाल दी। इनकी ये क्वालिटी ने इनको इतनी रिस्पेक्ट अर्न करी, इतनी रिस्पेक्ट अर्न करी कि लोग अपनी जान देने लग गए। इस वीर मराठा की कथा मैं चाहता हूँ पूरे देश तक पहुंचे। आज अगर आप में थोड़ा सा भी आप में इच्छा है कि हमारे देश के इस इतिहास को कोई भूल ना जाए, इसको व्हाट्सएप पे फैला दीजिए। हर मराठा की जिम्मेदारी है कि इसको देश तक पहुंचाए और लोगों को पता चले वीर छत्रपति शिवाजी के विषय में। कई बार मैं मुंबई आता हूँ, पुणे आता हूँ, औरंगाबाद, नागपुर आके अपने मोटिवेशनल सेमिनार या लीडरशिप पैनल के प्रोग्राम करता हूँ। देखता हूँ कि मराठा लोग इतने ईमानदार कैसे हैं। छत्रपति शिवाजी के विषय में जान करके और सम्मान बढ़ गया मेरी नजरों में मराठाओं का। अगर अच्छा लगा आपको ये वीडियो तो जरूर लाइक करिए उत्साह बढ़ाने के लिए। और छत्रपति शिवाजी से आपने क्या सीखा नीचे? पहले हमने पहले भी इनकी स्टोरी के बारे में पढ़ा हुआ है, रिएक्शन दिया हुआ है। क्या ख्याल है? लेकिन डॉक्टर विवेक बिंद्रा की वीडियो मैंने पहली बार देखी और बड़ी जबरदस्त वीडियो बनाई है और काफी इंजॉय किया मैंने। ठीक है, शिवाजी महाराज की जो है ना स्टोरी को, ठीक है, किस तरह उन्होंने जो है अपने दौर में जो है ना किस तरह तरक्की हासिल की, मतलब 700-800 उन्होंने जो है ना किले उन्होंने जीते हैं और जबरदस्त सीजन के उन्होंने लोगों की जो है ना उन्होंने सेवा की है, अपनी कौम की सेवा की है। तो 36 किले छोड़ के 360 जीते भी थे। हाँ, तो इस लिहाज से बड़ी शानदार किस्म की उनकी जीत थी और उन्होंने मुगलों से काफी जंगें जीती। ठीक है जी, तो एक शानदार जीत थी। तो मुझे बड़ा मजा आया डॉक्टर विवेक बिंद्रा की ये वीडियो देख के। मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं, बड़ा कमाल करते हैं। ठीक है जी, आपको कैसी लगी ये रिएक्शन आपको हमें जरूर बताना है। जाने से पहले आपसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।